मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों आज की स्टेटस में जो आपने देखा है गाइस, पावर स्टार पवन सिंह जी का गाना जो कि गाइस बहुत ही सुपर हिट डुपर डुपर हिट है, जो कि गाइस नाम है आरा में दोबारा एलुना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उसी गाने पे स्टेटस बनाने वाले हैं जो कि गाइस बहुत ही शानदार बहुत ही औसम होने वाला है। तो वीडियो को गाइस शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह का कमाल का वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप का स्टेटस बनाने के एक एप्लीकेशन जो पढ़ने वाली है जिसका नाम है अलाइट मोशन दोस्तों। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको इसका मोड वर्जन चाहिए जिससे वाटर मार्क ना आए, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पिन है, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों वहाँ पर आपको 4K फोटो वगैरह भी सब कुछ मिल जाएगा वहीं पर, तो आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद कैसे आपको क्या करना है, अपने अलाइट मोशन को ओपन करना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा सॉन्ग बीट मार्क सेक इफेक्ट नाम का दो लिंक, उसे क्लिक करके डाउनलोड करके उसे इंपोर्ट कर लेना अपने अलाइट मोशन में। ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे तो आपको सीधे जब आप अपना अलाइट मोशन ओपन करेंगे तो आपके इस प्रोजेक्ट में आएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा सॉन्ग बीट मार्क एंड सेक इफेक्ट, इस दोनों को आपको इसमें इंपोर्ट कर लेना है। सबसे पहले गाइस आपको आ रहा है दोबारा एलुना, इस तरह से आपको सॉन्ग बीट मार्क मिलेगा। तो जहाँ जहाँ बीट है बीट पर आपको फोटो ऐड करना है दोस्तों। फोटो ऐड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको प्लस पर क्लिक करना है और मीडिया पर जाना है दोस्तों। यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है बॉक्स नीचे आपको नाम दिखेगा, तो इसके यहाँ पर आपको जितने भी फोल्डर दिख जाएंगे इस, तो आपको सबसे पहले किसी भी फोल्डर पर क्लिक करके जहाँ आप फोटो रखे रहेंगे ओपन करके आपको किसी भी फोटो पर क्लिक कर देना इस तरह से। और दोस्तों थ्रेड पे क्लिक करके फिल कंसीलर पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है। ठीक है, और दोस्तों एरो पे क्लिक करके बचे हुए भाग को इस तरह से कट कर देना है। ठीक है, फिर से आपको मैं बता देता हूँ, प्लस पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करके इस तरह से फोटो को क्लिक करके थ्रेड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है, और एरो पे क्लिक करके बचे हुए भाग को इस तरह से कट कर देना है। ठीक है दोस्तों, जहाँ जहाँ बीट है बीट के हिसाब से सभी जगह पे फोटो ऐड कर देना गाइस। फटाफट से आप फोटो ऐड कर लीजिएगा, मैं भी गाइस फटाफट से फोटो को ऐड कर लेता हूँ, नहीं तो गाइस वीडियो का जो लेंथ है बहुत ही लंबा हो जाएगा। एंड दोस्तों मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मैं फटाफट से फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो बीट के हिसाब से हमने सभी जगह पे फोटो ऐड कर दिया है गाइस। इस पर अब इफेक्ट लगाना है, तो गाइस इफेक्ट लगाना बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जब सीरियल 22 नंबर सब लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर है सब आपको लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे नंबर लिखा है वैसे वैसे आपको इफेक्ट लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बैक करना है गाइस। अब आपको दी जाएगा यहाँ पर न्यू सेक इफेक्ट नाम से एक प्रीसेट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि आपको 6 इफेक्ट टोटल मिलने वाला है। उस सिर्फ जो बीट मार्क है उसमें 6 इफेक्ट यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो फोटो है आपको इस फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थ्रेड पे क्लिक करके इस तरह से कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसको कॉपी करने के बाद आपको अपने बीट मार्क में आ जाना है। ठीक है, जब बीट मार्क में आ जाएंगे तो इसको जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दे रहा है गाइस एक नंबर। ठीक है, तो एक नंबर के ऊपर जो फोटो है, ठीक है, तो एक नंबर के ऊपर गाइस जो फोटो है इस फोटो पर आपको क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करना है इस तरह से, थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो कुछ दोस्तों पहला वाला हमारा इफेक्ट लग गया। फिर से आपको एरो पे क्लिक करना है इस तरह से, फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिया गया दो नंबर। ठीक है, तो आपको बैक करना है और अपने सेक इफेक्ट में आना है और यहाँ से गाइस आपको दिख रहा है दूसरा नंबर। ठीक है, तो आपको फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्रेड पे क्लिक करके इस तरह से कॉपी करना है। ठीक है गाइस, कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने बीट मार्क में। ठीक है, हाँ दोस्तों बीट मार्क में आ जाने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया दो नंबर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोटो है इस फोटो पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पर क्लिक करके थ्रेड पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। एंड दोस्तों आपको जो इसको नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए दो नंबर, जहाँ तक हमारा ये दो नंबर गया है। ठीक है, तो हमारा जो दो नंबर है 8/22 तक है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोटो है, ठीक है, इस फोटो पर जो फोटो है लास्ट तक हमारा ये है, तो इस फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके हम पेस्ट कर देंगे दोस्तों। ये इफेक्ट हमारा शुरू से लेकर के लास्ट तक लगने वाला है। ठीक है, जहाँ तक मार्क हमने किया है। ठीक है, तो उसके बाद गाइस फिर से आ जाता है हमारा एक नंबर। ठीक है, जो कि गाइस 8/22 से लेकर के है। ठीक है, तो बैक करना है और आपको यहाँ पर आना है इसमें सही इफेक्ट में, यहाँ पर आपको जाएगा दिख जाएगा फिर से एक नंबर। तो आपको इस फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थ्रेड पे क्लिक करके इस तरह से कॉपी करना है। ठीक है गाइस, कॉपी करने के बाद आपको अपने सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना है। ठीक है, तो गाइस हमने कहाँ पर छोड़ा था, हम गए गाइस छोड़ा था 8/22 यानी कि 8/22 तक हमने छोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस आप तो दिख जाएगा एक नंबर। तो एक नंबर के ऊपर जो फोटो है इस फोटो पे क्लिक करेंगे और इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, थ्रेड पे क्लिक करके हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर एरो पे क्लिक करेंगे, इसको करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप तो दिख जाएगा तीन नंबर। ठीक है, तो गाइस हमारा जो टाइमिंग है 9/22 है। ठीक है, तो आपको बैक करना है और अपने सेक इफेक्ट में आना है और गाइस यहाँ पर आपको तीसरा जो फोटो दिख रहा है इस फोटो पर आपको क्लिक करना है
और इफेक्ट पे क्लिक करके थ्रेड पे क्लिक करके सबसे कॉपी करना है। ठीक है गाइस, कॉपी करने के बाद आपको बैक करना है, और गाइस बैक करने के बाद आपको आ जाना है अपने बीट मार्क में, जो गाइस हम 922 तक छोड़े थे। ठीक है, तो गाइस 922 पर हम आ जाते हैं फटाफट से। ठीक है, तो हम गाइस 922 पर आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है तीसरा वाला इफेक्ट, आप देख सकते हैं मैंने मार्क करके रखा है। ठीक है, तो इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा ये इफेक्ट लगेगा। तो फोटो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके थ्रेड पर क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला इफेक्ट हमारा कहाँ तक लगेगा, आप देख रहे हैं जो तीसरा जहाँ तक मार्क है हमारा, गाइस हमारा जो मार्क है वो 14-18 तक मार्क है तीसरा वाला इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्रेड पे क्लिक करके पूरा पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ तक हमारा गाइस ये इफेक्ट है हमारा तीसरा वाला लग गया है, उसके बाद गाइस बचता हमारा चौथा नंबर। ठीक है, तो आपको चौथा वाला देख लेना है कहाँ पर हमारा ये 14-18 तक है। ठीक है, तो आपको बैक करना है और गाइस यहाँ पर आपको आ जाना है अपने यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ दीजिएगा अपने सेगमेंट में आपका 4 नंबर। ठीक है, तो आपको फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्रेड पे क्लिक करके इस तरह से कॉपी करना है। ठीक है गाइस, कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने बीट मार्क में। गाइस बीट मार्क में आ जाने के बाद आपको और आगे आना है जहाँ तक, जहाँ पर आपने छोड़ा था। तो गाइस हमें याद है कि हम कहाँ तक छोड़े थे, तो गाइस हम जो छोड़े थे हमारा 14-18 तक। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जाएगा 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर के ऊपर जो फोटो है इस फोटो पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो गाइस इस फोटो पे हम क्लिक करेंगे और इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और थ्रेड पे क्लिक करके हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और गाइस एरो पे क्लिक करना है इस तरह से, फिर आपको नीचे आना है तो यहाँ पर आपको जाएगा फिर से 1 नंबर। ठीक है, तो आपको फिर से बैक करना है और अपने सेक इफेक्ट में आना है, और गाइस जो पहला वाला इफेक्ट है इस फोटो पर क्लिक करना है। ठीक है, और इफेक्ट पे क्लिक करना है और थ्रेड पे क्लिक करके सबसे कॉपी करना है। ठीक है गाइस, कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने यहाँ पर बीट। दोस्तों बीट मार्क में आने के बाद आपको मैं बताता हूँ कहाँ तक हमने जो छोड़ा था, मैं गाइस हम लोग छोड़े थे यहाँ पर, जब नीचे पर आएंगे तो यहाँ पर आपको खुद दिख जाएगा। तो हमने छोड़ा था गाइस 16-22 पर। ठीक है, तो 1 नंबर के ऊपर जो इफेक्ट हमने अभी कॉपी किया है, इस इफेक्ट पर फोटो पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पर क्लिक करके थ्रेड पर क्लिक करके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से एरो पे क्लिक करेंगे और आगे हमारे जगह आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा गाइस 5 नंबर। ठीक है, तो आपको बैक करना है और अपने सेक इफेक्ट में आना है। ठीक है, यहाँ पर आप गाइस आपको दिख जाएगा 5वां वाला। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्रेड पर क्लिक करके आपको कॉपी करना है। ठीक है गाइस, कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने बीट मार्क में। ठीक है गाइस, बीट मार्क में आ जाने के बाद आपको थोड़ा सा आगे आना है। ठीक है, तो गाइस आपको थोड़ा सा अगर जहाँ पर आपने छोड़ा था आपको वहीं पर आ जाना है। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको खुद दिख जाएगा, तो आपको दिख रहा है हमारा जो है 5वां वाला नंबर। ठीक है, तो गाइस आपका 18-10 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको सबसे पहले क्लिक करना इस पर। ठीक है, और इफेक्ट पे क्लिक करके थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना। ठीक है, फिर से आपको आगे आना है और फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप गाइस दिख जाएगा 5 नंबर जहाँ तक हमने मार्क करके रखा है। आप देख सकते हैं गाइस, हमने जो मार्क करके रखा है वो है हमारा 20-4 तक। ठीक है, 20-4 तक है, तो जहाँ तक हमारा ये मार्क है सभी जगह पे आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से इफेक्ट पर क्लिक करके थ्रेड पर क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर आप नीचे आएंगे तो गाइस यहाँ पर आप दीजिएगा 6वां वाला नंबर। ठीक है, तो आपको बैक करना है और अपने सेक इफेक्ट में आना है, और यहाँ पर गाइस आपको दिख जाएगा 6वां वाला इफेक्ट। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करना है और थ्रेड पे क्लिक करके सबसे कॉपी करना है। ठीक है गाइस, कॉपी करने के बाद आपको बैक करना है और अपने यहाँ पर आ जाना है बीट मार्क में। ठीक है गाइस, आपको और आगे आना है, गाइस आपको लास्ट में आ जाना है जहाँ पर आपने छोड़ा था। तो गाइस हमने जो छोड़ा है हमारा जो यहाँ पर है। ठीक है, जब नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा मैंने मार्क रखा है। तो गाइस हमारा जो स्टार्ट होता है 20-4 से स्टार्ट हो रहा है 6वां वाला इफेक्ट। ठीक है, तो गाइस मैं ऊपर आऊँगा इस पर, उसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो आपको फोटो पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्रेड पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा आगे आना है, फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ जहाँ तक हमारा जो 6 नंबर जहाँ तक लास्ट तक है। ठीक है, तो लास्ट तक हम जितने फोटो है सभी पर हमारा यही इफेक्ट लगने वाला है। ठीक है, तो गाइस इस फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्रेड पे क्लिक। तो हमारा आज का स्टेटस आ रहा है, मैं दोबारा आई लूना पावर स्टार पवन सिंह जी का बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का हमारा स्टेटस आपको गाइस पसंद आया। गाइस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड दोस्तों मैं बताता हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पर इसको शेयर करते हैं तो आपको सेटिंग पर क्लिक करना है, और जो दिख रहा है यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सेटिंग वाला बन जाएगा, इंस्टाग्राम वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप गाइस 2GB रैम है तो आपको 30 पीस करना है, अगर आपका 6GB से लेकर के 8GB में तो आपको 60 पीस करना है। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है और यहां से आपको एक्सपोर्ट कर देना है, इससे मात्र आपका 2 से 3 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना गाइस। ठीक है, मिलते हैं किसी और प्यार से इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।